हमारे बीच भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार गायक और विलन रोल निभाते हैं और निरहुआ के साथ कई फिल्म कर चुके हैं, जो कि आज दिनेश लाल निरहुआ अमरपाली का जौनपुर महोत्सव में जलवा चल रहा है, लाइव चल रहा है। इसके साथ हमारे बीच यहाँ पे शादी के समारोह में अपने मित्र के शादी में पहुँचे हैं। हम आपको अपने स्टेट इंडिया न्यूज चैनल पे लगातार बातचीत में हम दिखाएंगे। सर, आप जौनपुर जिले में आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट इंडिया न्यूज चैनल पे। और आज आपके ही गुरु आप कह रहे थे दिनेश लाल निरहुआ जी, कल सोनाक्षी जी आई थी, फिर यहाँ पे लगातार जौनपुर जिले में एक से एक स्टार भरे हुए हैं, सब आते जा रहे हैं। यहाँ पे हनी सिंह भी आके गए हैं और आप जौनपुर जिले में आए हैं और आपकी शूटिंग हो रही है यहाँ पे। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ के सारे निवासियों को, जनपद वासियों को मैं प्रणाम कहूँगा, सलाम कहूँगा। और मैं अभी चंडीगढ़ से आया हूँ, वहाँ हमारा स्पेशल मैच चल रहा था। और जैसा कि हमारा जो भाई योगेश, जब भी काफ़ी हम लोग कम से कम पिछले 10 वर्षों से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल हम लोग का एक घरेलू रिश्ता है भाई की तरह। उन्होंने कॉल किया कि आज भाई, उस समय मैं चंडीगढ़ नहीं आया था भाई, उस समय गुड़गांव में था, गुड़गांव से फिर हम चंडीगढ़ आए मैच खेलने के लिए। हाँ, सीसीएल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। जी। तो बोला कि आज भाई आपको आना है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं टाइम निकालूंगा, कोशिश करूंगा। और मैं मैच खेल के तुरंत मैं फ्लाइट पकड़ा और यहाँ पे शादी में उपस्थित हुआ और कल से मेरी शूट भी रहेगी। तो बहुत अच्छा लगता है जौनपुर, और यहाँ पे जौनपुर के लोगों का प्यार बहुत मिलता है, दिल से प्यार मिलता है। तो प्यार तो दुनिया में हर गली हर चौराहे हर कोने पे मिलते हैं, लेकिन दिल से प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वो यहाँ के लोगों से मिलता है, दिल से प्यार मिलता है, तो बड़ा खुश लगता है, बड़ा अच्छा फील होता है। कल आपके लिए बहुत पवित्र दिन चालू हो रहा है, कल रोजा चालू हो रहा है। जी। तो और शूटिंग में आप लगातार करेंगे, तो क्या दिक्कतें कुछ होंगी? देखिए, रोज़ा मैं छोड़ता नहीं है, और रमज़ान, ये रोज़ा, ये क्या है, ये फास्ट है, जिसको आप मतलब हिंदू धर्म में इसको व्रत बोलते हैं, इंग्लिश में जो उसको बोलते हैं फास्ट, जो अंग्रेज रहते हैं उसको बोलते हैं हम फास्ट हैं, मुसलमान लोग बोलते हैं कि हम रोज़ा हैं। तीनों एक ही चीज़ है, और ये चीज़ें हम अपने को फिट रखने के लिए करते हैं। हम साल भर 11 महीने उल्टा सीधा दुकान की बाहर के तेल का, है ना, जो भी मतलब हम लोग जंकी फूड खाते हैं, आजकल लोग बाहर के खाने ज़्यादा खाते हैं। तो समझ लो, ये कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले ने हमें वो ज्ञान दिया है, हमारे धर्म गुरुओं ज्ञान दिया है कि अपने अपने भाई धर्म संप्रदाय में कम से कम व्रत रखिए, रोज़ा रखिए, फास्टिंग करिए, ताकि आपकी जो सिस्टम है बॉडी की वो फिट हो जाए। जैसे कैसे गाड़ी चलती है, तो भाई कहते भैया गाड़ी चल गई इतना, अब इसको ओवरहॉलिंग करवाना पड़ेगा, है ना, इसको हमें जो है मैकेनिक को देना पड़ेगा, ओवरहॉलिंग करेगा, पूरा ऑयलिंग करेगा। जस्ट लाइक रमज़ान फास्ट व्रत में ही है। तो इसी बहाने कम से कम हमारी जो है बॉडी की जो है साइकिलिंग हो जाती है, बॉडी हमारी पूरी क्लीन हो जाती है, अंदर से स्ट्रांग हो जाती है। जो हमारे अंदर खाना पानी होता है, तो हमारे सब सिस्टम आपका जो है बॉडी। आपने शुरुआत भोजपुरी में किस मूड से, किस अंदाज से गए थे भोजपुरी में, क्या सोची गए थे? मैं तो बेसिकली मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, और सारी पढ़ाई लिखाई मेरी बनारस से हुई है। तो बनारस में ही मैं पढ़ रहा था, तो उस समय एक फिल्म आई थी धरती कहे पुकार के, अजय देवगन जी उस फिल्म में थे, मनोज तिवारी जी थे। तो उसमें एक यंग लड़के की ज़रूरत थी, उन्होंने बहुत सारे लोग आए थे ऑडिशन के लिए, मैं भी ऑडिशन दिया और मेरा जो है फाइनल हो गया। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरा होगा, क्योंकि मैं जिस घर जिस माहौल से था, वहाँ फिल्म से कोसों दूर, सब मेरे घर में सब जॉब वाले हैं, पुलिस वाले हैं। या भोजपुरी में अवधी, यहाँ जौनपुर में अवधी चलते हैं, हाँ, इसके बारे में बताइए। जैसे गाजीपुर की भाषा अपनी जौनपुर जिले की भाषा, पूर्वांचल की अलग है, और जैसे गोरखपुर का अलग है। आपको शूटिंग करते समय क्या क्या परेशानियाँ होती होंगी? शूटिंग करते समय हम लोग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्टली जो राइटर होते हैं ना, जिस क्षेत्र का होता है उसी हिसाब से लिखता है। तो जहाँ जहाँ के जो लोग होते हैं तो बोलते हैं कि यही जो है सबसे सही भाषा यही है, शुद्ध भोजपुरी यही है। तो भोजपुरी को कभी आज जो 8वीं अनुसूची है या उसमें बोलते हैं कि इसको जो है एक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, इसको प्रमाणिकता इसलिए नहीं मिला कि इस लिपि का कोई एक पर्टिकुलर जो है ना वाइंड अप नहीं है। जातनी, जात बाड़ी, जात हई, जात हुआ, तो जैसे विस्तारों में जिसे अभी सब इलेक्शन कर रहे हैं, चुनाव रहे हैं, कौन सी छोड़ दिए हैं, और इसके बाद यहाँ पे अक्षरा सिंह टिकट मांगने की कोशिश की थी। यहाँ पे आप सुने होंगे नाम जौनपुर जिले से, अब से IAS अधिकारी
छोड़ के चुनाव में लड़ने के लिए यहाँ बड़े बड़े सितारे लेके आए। तो जौनपुर में अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे शूटिंग भोजपुरी की चल रही थी, इससे पहले भोजपुरी यहाँ पे एक सीट आते हैं जो सलमान सेठ है उनके द्वारा अप्रोच होती है। इससे आप शुरुआत किस तरह, मतलब आपको जौनपुर में क्या अच्छा लगा क्या नहीं? जौनपुर एक पुराना शहर है और यहाँ पे जो है हिस्टोरिकल प्लेस भी बहुत है, यहाँ के पुल जो है बहुत अच्छे हैं, यहाँ की जो है कुछ मैं देखा किला भी यहाँ का है वो भी बहुत अच्छा है पुराना इसी हाँ। और यहाँ पे मैं भी जैसे आज शूट पे हम लोग गए थे तो यहाँ के जो है इंटीरियर्स, क्योंकि यहाँ पे एक तो बनारस से पास पड़ता है तो बनारस बहुत मुझे लगता है कि कॉस्टली शहर है, ये थोड़ा सा उससे सस्ता सर पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बनारस के पास और बनारस से करीब करीब यही है और एयरपोर्ट से तो बहुत पास है, 35-40 मिनट में पहुँच जाते हैं। भोजपुरी की फिल्म सबसे पहले यहाँ पे बनी थी नदिया की जी, जो सचिन के साथ बनी थी और यहाँ फेमस है जली राजे को मिसाइल की नदी की कहानी जी, और आज उसी गाँव से बरात आई है, इसके लिए आपका मैं दिल्ली से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उस बरात में शामिल, वो उस समय की फिल्म शायद मैं पैदा भी हुआ और नहीं हुआ हाँ, और आज उस फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी और आज मैं वही उपस्थित हूँ और अभी और एक ऐसे आज दो तो मतलब फिल्म की शूटिंग मेरे लिए अच्छी चीज़ है भाई, और मेरा वही जीवन है और मेरे दोस्त की अगर शादी है वहाँ पे उपस्थित हूँ, मेरे लिए जो है कह सकते हैं कि एक पन दो का जो डबल खुशी चल रही थी कौन सी देखिए सोशल मीडिया पे बहुत रोमांटिक क्या बना रहा है, मतलब प्रकार की पोस्ट हो रही है कई लोग गलत कर रहे हैं, देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता इसलिए वो पर्सनल मैटर, तो पर्सनल मैटर में ऐसे ही बिना जाने मुझे कुछ भी वक्तव्य दे देना बोल देना अच्छी बात नहीं है, है ना, और कोई मिल रहा है अगर दोनों लोग मिल रहे हैं तो दिल से दुआएं दिल से खुशी है कि एक घर परिवार मिल रहा है, इससे बड़ी क्या हो सकता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पवन सिंह यही सागर और अनुपमा यादव गायक थी उसके बाद उन्हें बोले कि हम अपने परिवार से इसके बाद यही पोस्ट दूसरे दिन ज्योति के द्वारा सुल्तानपुर से होती है कि हम मिल के रहेंगे, इसी बारे में क्या बधाई आप कर देंगे पवन सिंह को? नहीं मैं दिल से बधाई दूंगा कि ईश्वर अल्लाह करे कि जो है हमारे भैया और भाभी दोनों एक हो जाए, है ना, यही दिल से दुआ है और अल्लाह अभी रमज़ान कल से शुरू हो जाएंगे तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि इस रमज़ान के मौके पे इस शुभ और जो है पवित्र महीने में वो दोनों एक हो जाए, इससे बढ़ के मेरे लिए कोई ईद नहीं हो सकती। दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आज मैं जो भी हूँ अपने आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के दुआओं की वजह से आप लोगों के प्यार की वजह से हूँ, आप लोग ऐसी दुआ प्यार आशीर्वाद देते हैं कि मैं मरते दम तक आप लोगों का एंटरटेन करता रहूं, आप लोगों का मनोरंजन करता रहूं और ऐसे ही फिट रहूं और आप लोग भी फिट रहिए। कौन सी फिल्म आ रही है खुलासा कर दीजिए कहाँ? अभी जो हमारी फिल्म की शूटिंग हो रही है इसमें ये पारिवारिक फिल्म है माँ बाप का बंटवारा। अच्छा कुछ फिल्म में नजदीकी गाने जो हुए नशीले गाने मतलब दुनिया में मतलब वो हाँ प्रकार के डबल मीनिंग सॉन्ग आप क्या सोचिए? नहीं नहीं डबल मीनिंग सॉन्ग वो एल्बम में रहते हैं, हम तो फिल्म में काम करते हैं, फिल्मों में कहाँ डबल मीनिंग गाने रहते हैं, वो तो एल्बम वाले बताएंगे ना, हम तो एल्बम वाले हैं नहीं, हम फिल्म वाले हैं और डबल मीनिंग गाने एल्बम में रहते हैं फिल्मों में नहीं रहते। लगातार यहाँ जौनपुर में मतलब 4 दिन पहले यहाँ पे केसरी लाल आए थे, कल्लू भी आए थे, एल्बम में थोड़ा सा रहता है गर्मा गर्मी डबल मीनिंग गाने लेकिन फिल्मों में नहीं रहता, तो मैं फिल्म में रहता हूँ तो फिल्मों के बारे में बता पाऊँगा। आप भी बहुत अच्छे गाना गाते हैं, क्या तू करिए आप गा सकते हैं? अरे कहाँ अभी जो थोड़ा बहुत जो है गाया स्टेज जो आपने सुना होगा आप थोड़ा सा सुना दीजिए, दर्शक भी यहाँ पे आपके साथ सुनना चाहें आपको। पता तो जब हो के